हेलो सर, स्वागत है आप सभी का अभी मिश्रा ब्लॉग में। और आई थिंक ये छोटी खबर है, बच्चों की लगेगी मुझे भाई। अभी हो चुका आंधी जैसा मौसम और बहुत तेज हवाएं चल रही है हमारे तोम के अंदर, और बहुत उड़ रही है। उसकी रियल खबर है उसके अंदर है। तो गेट देख सकते हो कितने बड़े इलेक्ट्रिक। तो व्यू अच्छा दिखे इसलिए दिवाली उड़ा दी। तो ये मकबरा है ना, ये रास्ता जो जा रहा है ये हुमायूं टॉम की तरफ जा रहा है, जहाँ की अभी बहुत ज्यादा रश है वगैरह है, भीड़ वगैरह बहुत है वहाँ पर। तो ये पूरा रास्ता आप देख सकते हो, अगर आपको विजिट करना है तो एक बार आप जरूर आ सकते हो। निजामुद्दीन आपको मेन लोकेशन पड़ेगी यहाँ की। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राचीन प्राचीन चीज़ें हैं मुगलों के ज़माने की। अभी जो मेरे पीछे जो तोम्ब है हुमायूं का मकबरा है, जिसके अंदर हुमायूं के समेत उनके साथी या सैनिक वगैरह की कब्र भी इनमें हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा और अच्छा लग रहा है, एक तरह से ताजमहल का स्वरूप लग रहा है। ताजमहल जैसे ही फील जैसा आ रहा है इसमें से, और इसी से प्रेरित होके ताजमहल भी बनाया गया था। यहाँ पर कवर आप देख सकते हो। उसके बाद ये सीढ़ी वगैरह जिससे हम अभी करेंगे ऊपर आ गया। तो गाइस, सीढ़ी चढ़ने के बाद सामने ही हमें दिखता है हुमायूं का मकबरा, और ये बहुत ही विशाल है और अच्छा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। हेलो सर, स्वागत है आप सभी का अभी मिश्रा ब्लॉग में, और आज मैं आ रखा हूँ हुमायूं के मकबरे में, जो हुमायूं टॉम है उसके अंदर आ रखा हूँ। और ये जो देख सकते हो आप हुमायूं टॉम, और उसके अंदर आप इधर भी पूरा नज़ारा आपने देख लिया। तो वीडियो के जो ये क्लिप है मैं आपको ऐड कर दूँगा, जो कि इसकी रियल कवर है, हुमायूं की रियल कवर जो है उसके स्थल के नीचे मैं आपको स्थल दिखा देता हूँ। रियल कवर है उसके अंदर है, सिक्के वगैरह भी फेंके गए इसके अंदर। इसके अंदर जाना शायद अलाउड नहीं है, और नगर रास्ता भी नहीं है, तो इसके अंदर आप देखेगा भी नहीं, फिर फ़ोन गिर सकता है हमारे तब दिखाएंगे। तो जैसे आइए थोड़ी इधर से दिखाऊंगा तो बड़ा लगेगा। तो इसका मैं आपको पूरा राउंड एक दिखा देता हूँ, और इसके जो चारों तरफ आपको चार बाग की जो फाउंटेन है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि चारों तरफ आपको एक नाली टाइप डिजाइन बना रखा है, जो पानी जो फ्लो होता है चारों तरफ फ्लो होता है इसके। तो अभी फिलहाल इसका पानी वगैरह तो फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी इतना कुछ रहा नहीं है। तो कुएं के बगल में आपको ये डिजाइनदार नालियाँ दिख जाएंगी, ये हर जगह बना रखी हैं। और दोस्तों यहाँ तो ये जो बाउंड्रीज हैं यहाँ की जो बना रखी है बहुत ही छोटी है, तो यार ये गिर भी सकते हैं, और आप इनसे थोड़ा दूरी रहे तो अच्छा ही रहेगा, सावधान रहे। बताएंगे दोबारा, और ये इसको चाहते से जो भी आप व्यू लोगे ना बहुत ही अच्छा है। अब इसके अंदर भी आपको दिखाएंगे क्या है इसके अंदर, और यहाँ पर लोग बहुत सारे आते हैं फोटो वगैरह शूट करने के लिए, फोटो वगैरह बना, वीडियो वगैरह शूट वगैरह ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी एक चार बाग का एक हिस्सा है फाउंटेन टाइप। तो भाई आपने जो सिंगल कवर देखती आप एक साथ बहुत सारी कवर देखने जा रहे हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी कवर हैं भाई। मतलब बारिश बार बार बारिश गिरती रही, तो वो भी थोड़ा काले वगैरह जम गए उन कवरों में, तो थोड़ा काले वगैरह पड़ गए ये कवर हैं। ऐसे मुझे छोटी कवर है बच्चों की देख रही मुझे, है ना, छोटी कवर है बच्चों की, बड़ी कवर है उससे डिजाइन की गई है ना। तो ये कवर डिजाइन
हमने लगाई थी, किसी की तो होगी जहन से, किसी का तो होगा ना, एक साथ फैमिली मेम्बर या कुछ टाइप का होगा, पता नहीं। दिखाया था ना ये भाई, चारों तरफ एकदम जिसके पत्थर यूज़ किए ना, पत्थर लाल बालू पत्थर कहा जाता है, जो कि पहली बार इस सीन में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ किए गए हैं, इतिहास का पहला ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर अभी माई भी कब्र के हम एंट्री आपको अंदर दिखाने जा रहे हैं, अंदर दिखाने जा रहे हैं कि अंदर से कैसा है, कितनी कब्र है वगैरह, सीधा विजिट करते हैं अंदर। ये स्थल हमारे जो कब्र है, जो कि रियल कब्र है, उसके अंदर है, और यहाँ से थोड़ा स्थल टाइप बना रखा है उन्होंने, क्योंकि पता चले कि सेंटर में जो कब्र है, मेन कब्र जो है हुमायूं जी की है, तो इसके एंट्री देखो, इसके जो डोर हैं वो भी बहुत ज़्यादा पुराने हैं, तो गेट देख सकते हो कितने बड़े लकड़ी गेट है। जो तीन कब्रें हैं ये रो में रखी गई हैं, एक ही साइड पता नहीं किसके, पर अगर मालूम पड़ता तो मैं आपको बताऊंगा। और ये फैमिली मेंबर या बच्चों की कब्र होगी मुझे लग रहा है जहाँ तक। एक और इसी तरह का एक और दो कब्र रखी गई हैं, यहाँ पे तीन कब्र रखी गई हैं। आई थिंक हिमाय की बच्चे होंगे या फिर कोई सेनापति होगा, तो उनके मुख्य परिवार की ही कब्र यहाँ पर आपको ही मिलती है। बाकी मेन कब्र तो नहीं, और यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए यहाँ भी। दो कब्र यहाँ पर भी हैं, और यहाँ पर भी जालीदार आपको खिड़कियाँ वगैरह दिख जाएंगी। तो भाई इस तरह का है हमारे अंदर का, तोम के अंदर का जो भी मैंने आपको अभी दिखाया है। तो भाई अब बाहर चलते हैं, बहुत पुराने जमाने का ना ये जो डिजाइन वगैरह ना, यूनिक तरीके से दिए गए जमाने के लोहे की वगैरह इस तरह से होती थी, इस तरह की लोही यूज़ की। अभी हो चुका आंधी जैसा मौसम और बहुत तेज हवाएं चल रही है हमारे तोम के अंदर, और बहुत चील वगैरह भी उड़ रही हैं, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। तो भाई छत चीली चील क्यों उड़ रही हैं, और
जी पीछे हमने हुमायूं टॉम देख लिया है पूरा, और अभी हम एग्जिट करने जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ वगैरह भी गिर रखे हैं आंधी के कारण, और ये वही फाउंटेन है कुछ देर पहले। तो यहाँ पर विजिटर काफ़ी ज़्यादा अभी बढ़ चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे देख रहा है यहाँ पर जैसे जैसे शाम होते ना विजिटर ज़्यादा आते हैं। जब हम आए थे यहाँ पर बहुत कम लोग थे, हम आए थे यहाँ पर करीब दो बजे थे, टाइम क्या रहा साढ़े तीन नहीं, हम एक या दो बजे आए थे। अब आंधी जैसे चल रही, देख लो अंदर उसके बारिश, और धीरे धीरे तेज होती जा रही है तो हमें यहाँ से जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा, नहीं तो हमें बस वगैरह नहीं मिलेगी। यहाँ से एग्जिट ले लेते हैं, ये जो गेट देख रहे हो आप मेरे पीछे, इसको तोड़ के रास्ता बना दिया, सॉरी दीवार, जो दीवार देख रहे हो मेरे पीछे तोड़ के रास्ता बना दिया। तो भाई आए थे यहाँ पर धूप में, अब हो चुकी है तगड़ी बारिश, और देखने के कगार पे हम अभी तो एग्जिट ले रहे हैं यहाँ से, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो चुकी है। तो यार भूख भी लग रही है, बारिश भी हो रही है, तो यहाँ से कुछ बना के हम खा लेते हैं, और यहाँ से एग्जिट ले चुके हम। अब बारिश बढ़ती जा रही। दोस्तों ये थी आपका हुमायूं टॉम का पूरा विजिट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है, सब्सक्राइब के बगल में होगा, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आने वाली वीडियो की। तो अभी के लिए चलते हैं, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद देखने के लिए, बहुत बहुत।